टोंक जिले के देवली नगर पालिका मंडल के वार्ड नंबर 16 में रह रहे घुमंतू जाति जोगी परिवारों को निशुल्क भूखंड दिलाने की मांग को लेकर पार्षद सीता देवी जैन व भीमराज जैन सहित जोगी परिवारों ने देवली SDM भारत भूषण गोयल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि अग्निशमन केंद्र के सामने गांधी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स योजना में गाड़िया लोहार परिवारों के अलावा जोगी परिवार भी वर्ष 1985 से यहाँ निवासित हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष 70 गाड़िया लुहार परिवार को निशुल्क भूखंड आवंट किया गया, लेकिन छाबड़ी बनाने वाले जोगी परिवार को अभी तक भूखंड नहीं मिले, जबकि सरकार द्वारा इन परिवारों के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड बने हुए हैं। ज्ञापन में उक्त परिवारों को भी निःशुल्क भूखंड आवंटित की मांग की गई। संवाददाता PK शर्मा की रिपोर्ट। घुमंतू जोगी परिवार जो छावड़िया वालों के नाम से अग्निशमन के सामने 1985 से वो वहाँ रह रहे हैं, उनके आज तक कोई छत या आशियाना उनको नहीं मिला है। भरी सर्दी गर्मी बारिश के अंदर भी ये लोग वहीं ठिठुरन के अंदर पड़े रहते हैं। इनकी भूखंड के लिए निःशुल्क भूखंड के लिए उपखंड अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया है। सारे ही तो छावड़ी वाले साथ में थे और पार्षद होने के नाते मैं भी साथ में था, और उसके साथ ही हमने अध्यक्ष नगरपालिका देवली व अधिशासी अधिकारी को भी इस मामले में ज्ञापन दिया कि इनको निःशुल्क भूखंड आवंटन जिस तरह से गाड़ियालवारों को दिया गया।